अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो सब सही हो गया, भोलेनाथ जी ने माथे पर कलंक लगने से बचा ली। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, ना ही कोई धर्मशाला कि जब मन आया आए, जब मन किया चले गए। जैसे खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहो। भोले बाबा ही बेड़ा पार लगाएंगे ना तुम्हारा। कलसा लेकर गई थी ना मंदिर भाई की मन्नत के लिए, अब हमारी मन्नत मनौती मानो, देखते हैं कितना सद्धा जगता है हमारे लिए। बड़ी नेक बच्ची है सुमन, महंत जी की नातिन है, ये देखिए ये गणपति जी की मूर्ति उसने खुद अपने हाथों से बना कर दिया है हमारी समधन जी यानी आपकी छोटी बहू के लिए। ये लीजिए समधन जी, आपने जिसे थप्पड़ मारा उसी ने ये भेजा है। सुमन कहती है कि गणेश जी का सिद्धि विनायक रूप है, अब सारी सिद्धि पूरी होगी। सुमन, अभी हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई है। मामा के लाड में कलसा का बार हटा मत देना और ना ही पैर नीचे रखना, समझी? लाड प्यार स्नेह ममता कहते हैं कि हर औरत में भरा होता है, पर तुम्हें देख के कहीं किसी तरीके से औरत नजर ही नहीं आता। जब ब्याह के लाए थे तब नहीं देखे थे क्या कि औरत है कि नहीं? देखे तो थे लेकिन समझ नहीं पाए थे कि हर औरत में ममता हो यह जरूरी नहीं है। कुछ काट कठोर भी होते हैं जिनमें बस जलन होती है। ममता लुटाने वाले कर्म भी तो होने चाहिए। समझाए काहे नहीं अपनी लाडली भगनी को कि यहाँ इसके माँ बाप कोई कुबेर का खजाना नहीं छोड़ गए हैं जो हर रोज लुटाने निकल जाती है। मामी, खाना खराब हो इससे अच्छा है ना किसी भूखे को खिला दिए, और वैसे भी खाना ना बहुत ज्यादा था। बर्बाद हो इससे अच्छा हमने खाना बांट दिया, और इसका पुण्य भी तो आप ही को मिलेगा ना। ज्यादा पाप पुण्य का पाठ हमको मत पढ़ाओ, और ये जो तुम्हारा पटर पटर जबान चलता है ना, इसको खोलने का इजाजत नहीं दी हम तुमको। वो खाना चाहे हम कूड़ा में फेंक दें, चाहे कुत्ता को खिला दें। तुम्हारे माँ बाप का बपोती नहीं था जो बांटने चल दी। सही कहते हैं, जब मती मारी जाती है तो कुछ भी सही समझ में नहीं आता। बताइए, हमारी बुद्धि पर भी न जाने कैसा पर्दा पड़ गया था। हमने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपके साथ भी कुछ दिक्कत हो सकती है। खैर, जो हुआ उसे भूलकर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। महंत जी ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, कल का ही सिद्ध मुहूर्त बता रहे हैं। कहते हैं शादी कल ही होनी चाहिए। कल? मेरा मतलब है इतनी जल्दी ये सारी तैयारियां कैसे होगी? छाजी, शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी। अगर महंत जी ने शादी का मुहूर्त कल का निकाला है, शादी तो कल ही होगी। हम गणपति जी को विराजमान करके आते हैं।
बच्ची पे जुल्म करके उसके मरे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल के तुम्हें शांति मिलेगी? अरे औरत होने का थोड़ा तो लिहाज रख लेती। लिहाज तो इसको होना चाहिए, हमारी छाती पे मूंग डल रही है और आप समझिएगा हम ऐसे ही ममता लुटाते फिरे? इतना ममता नहीं टपक रहा है हमसे। ममता कहां से आएगी ममता? बांझ जो रह गई। मामा जी ये आप क्या बोल रहे? तू चुप कर, यही तो चाहती थी तू? और क्या बोले आप? बांझ ई बोलते हुए आपका जवान नहीं कापा है? हम बांझ है नहीं, तुम तीनों ने मिलकर हमको बांझ बनाया है। मामी जी, मामा जी का वो मतलब नहीं था। तू चुप कर, समाज के सामने बांझ का कलंक हमारे माथे पे मर दिया गया। कौन किया वो? कोहबर का रंग भी नहीं छूटा था कि अपनी बहन और जीजा के बच्चों को लाकर हमारी गोद में डाल दिया। अरे कोक भरता है ना तब ममता जगता है औरत के अंदर। काट बनाकर बांझ बता दिया, कहां से जगेगी ममता एक बांझ के अंदर? और इसके माँ बाप मर गए, उसमें हमारी गलती थी नहीं ना? तो उस गलती की सजा हम क्यों भुगत रहे हैं एक बांच का कलंक लेकर? है कोई जवाब इसका आप लोगों के पास में? बेटा तुम जाओ अंदर, उसे देखो, जाओ। हम कह रहे हैं ना, जाओ। मैंने कहा था ना, सुमन वैसी नहीं जैसा हमने उसे समझा था। सही कह रहे हो बेटा, जिसने इतने कम समय में टूटे रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत गांठ में बांध दिया, कुछ तो खास है। उसकी समझ तो साफ दिखती है मां, आपने उसे दोषी माना लेकिन फिर भी उसने रिश्तों के मोल को समझा। आप दुखी क्यों हैं इस बात को समझा उसने, और फिर कन्हैया जी की तरह एक चुटकी में सब ठीक कर दिया। बिल्कुल, उसने राय बहादुर खानदान का मान बचाया है, और हम उस लड़की को ना समझ लुटेरी और पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। उस जैसी समझदार लड़की को तो उसके परिवार वाले अपनी पलकों पे बिठा के रखते होंगे, और हमने उस लड़की पे हाथ उठा दिया। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।